इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छोयांग हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। नमस्कार, मैं हूं दीक्षा और स्वागत है आपका बैटल फॉर क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 में। जी हाँ, मेरे स्टूडियो में मेरे साथ दो मेहमान मौजूद हैं, अर्विन आमन जी और अक्षय जी। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगी आज हुए मुकाबले के बारे में जो कि अभी चल रहा है साउथ अफ्रीका और आयरलैंड के बीच। अर्विन आमन जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, क्या कहेंगे आप इस मुकाबले को लेकर? साउथ अफ्रीका ने जिस तरह से एक बड़ा स्कोर खड़ा करा है 411 रनों का, क्या आयरलैंड क्रॉस कर पाएगी? देखिए दीक्षा, बिल्कुल सही कहा आपने कि एक मैच है और जिसमें आयरलैंड जो छोटी टीम है और इतनी बड़ी टीम जो दक्षिण अफ्रीका की उसके साथ मैच खेल रही है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा इसमें कि देखिए 411 रन का टारगेट जो दक्षिण अफ्रीका ने आयरलैंड के सामने रखा है तो बहुत बड़ी बात नहीं है। इससे पहले अगर आप देखें उसने वेस्ट इंडीज जैसी टीम के खिलाफ बनाए, तो इस समय अफ्रीकन टीम बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में है और सारे बैट्समैन उसके फॉर्म में, एक से सारे बैट्समैन रन बनाना है। इसमें भी अगर आप देखेंगे पूरा स्कोर कार्ड को देखेंगे तो आपको डी कॉक एक ऐसे बैट्समैन नजर आएंगे जिन्होंने स्कोर नहीं किया, नहीं तो आप सारे बैट्समैन को देखेंगे सभी ने रन किए हैं और ये एक प्लस पॉइंट होता है। देखिए जब आप सब लोग रन करते हैं, सब लोग फॉर्म में होते हैं और टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आप मैदान पर उतरते हैं तो उसका जो चीज़ें हैं वो नजर आती हैं, मतलब पूरी टीम संगठित रूप से प्रदर्शन कर रही है। बिल्कुल, देखिए आप अमला को देखिए, प्लेसेस को देखिए, दोनों शतक जबरदस्त किए हैं। उसके बाद जिस तरह से बाद में जो बैटिंग हुई है मिलर ने की है या और दूसरे जो बैट्समैन उन्होंने की है, बहुत लाजवाब है और इसी की मदद हुई कि दक्षिण अफ्रीका 411 रन जो इस वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा स्कोर है उसी के द्वारा बनाया गया और अब नया भी उसी के द्वारा है। बिल्कुल, इस समय टीम की बात करें, टीम की बात करें दीक्षा, तो बहुत लाजवाब टीम है, बहुत अच्छा प्रदर्शन रही है। हाँ, मुकाबला कहीं से भी दोनों के आमने सामने वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि मैच तो मैच है। यदि आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं तो कुछ ना कुछ खूबी है जो आप वहां तक पहुंचे हैं। अब देखने वाली बात तो देखिए, अर्विन आमन जी, आयरलैंड एक छोटी टीम है लेकिन उसने खुद को बड़ी टीम के तौर पर कदम कदम पर साबित किया है इस विश्व कप में, तो ये मुकाबला भी एक तरह से देखा जाए तो बड़ा है उस टीम के लिए। बिल्कुल बड़ा है और यहाँ पर और वो अच्छा प्रदर्शन करती है। मैं ये नहीं कहता कि वो जीत दर्ज ही करें तभी हम मानेंगे, बट ये है कि फाइट अगर देती है दक्षिण अफ्रीका को मुझे खुशी होगी। अक्षय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, किस तरह से देख रहे हैं आप आज के मैच को? बिल्कुल दीक्षा, आज का मैच जो है वो रिकॉर्ड बनता चले जा रहे हैं उस मैच में। सबसे बड़ा रिकॉर्ड ये है कि अभी तक 2015 का सबसे बड़ा ये टारगेट है और अपना ही रिकॉर्ड आगे बढ़ गई है, 411 तक पहुंच गई है, 413 जो हाईएस्ट स्कोर है इंडिया का उसके करीब ही पहुंच गई थी। और दूसरी चीज ये बताना चाहूंगा कि आज जो मैच हुआ है उसमें एक और रिकॉर्ड बना है सबसे बड़ी साझेदारी का दक्षिण अफ्रीका के जो बल्लेबाजों के बीच हुई है, डुप्लेसिस और आमला के बीच। जी जी। और आमला ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया दीक्षा, वो रिकॉर्ड है सबसे फास्ट सेंचुरी करने का। उन्होंने आज 20वीं सेंचुरी की अपनी। उन्होंने जब से ये विश्व कप शुरू हुए हैं रिकॉर्डों का सिलसिला लगातार एक के बाद एक सामने आता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये विश्व कप का जुनून है। बिल्कुल दीक्षा, ये विश्व कप का जुनून है। खिलाड़ियों का जो कॉन्फिडेंस है वो भी चरम पे है और आमला ने जिस तरह से अभी आपका इंडिया के बल्लेबाज का रिकॉर्ड तोड़ा है वो भी एक बड़ा जबरदस्त है कि उन्होंने इतनी फास्ट 108 इनिंग में उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। वहीं पे आप बात करेंगे इसकी डुप्लेसिस की, तो उन्होंने भी एक अच्छी पारी खेली है, बहुत अच्छी इनिंग खेली है और दो सेंचुरी आज पड़ी है। पूरी मिला के ये इनिंग जोरदार रही और बल्लेबाजों ने बेहतर प्रदर्शन किया, जबरदस्त इनिंग। अर्विन आमन जी, जिस तरह से इंडियन बैट्समैन का या इंडियंस का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं बाकी बल्लेबाज, क्या कहेंगे आप? देखिए रिकॉर्ड तो बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं। हमने ही कुछ रिकॉर्ड बनाया हुआ जो आज टूटा है, तो आज इन्होंने बनाया तो कल कोई और तोड़ दिया। लेकिन मैं बात करूँ टीम के प्रदर्शन की, देखिए दक्षिण अफ्रीका जिस तरह से इंडिया के खिलाफ मैच हारा उसके बाद जो उसने अपने आप को कवर किया है और पूरी तरह से अपने आप को जो दोबारा पेश किया है वो बड़ा लाजवाब है। आप देखें दोनों मैच उन्होंने खेले और दोनों में 400 प्लस रन किए, इसे कहते हैं ठोकर काके इस तरह से खड़ा। बिल्कुल, आप देखिए असफलता ही आपको सफलता का गुण सिखाती है और ये चीज दक्षिण अफ्रीका से हम लोग सीखनी पड़ेगी कि इस तरह से वो जबरदस्त मैच हारे, 130 से मैच हारे इंडिया के खिलाफ, और जो कि इंडिया को उनके मुकाबले में कमजोर आकर जा रहा था कि उनकी बॉलिंग बड़ी स्ट्रांग है, उनकी बैटिंग बड़ी स्ट्रांग है, लेकिन इंडिया को हम लोग कमतर आकर रहे थे कि नहीं इंडिया उतनी बढ़िया टीम नहीं है। लेकिन देखिए इंडिया ने उनको हराया और वो हारे तो फिर वहां से देखिए कि एक नई शुरुआत की उन्होंने और जबरदस्त दोनों मैच जीते हैं, थम नहीं रही। डिविलियर्स की बात करें कि पिछले मैच में शतक किया था उन्होंने जब उन्होंने खेला था और इस मैच में उन्होंने अच्छे खासे 24 रन किए 9 गेंद पे, तो इसका मतलब बल्ला उनका चल रहा है और जब कप्तान आपका इस तरह से प्रदर्शन करता है तो टीम के जो बाकी बैट्समैन होते हैं उनको बड़ी मदद मिलती है और वो लोग जो प्रदर्शन कर रहे होते हैं उसमें निखार आता है। और देखिए दिन ब दिन उस टीम में निखार आ रहा है, लेकिन ये बड़ी बात है कि ये निखार हमें कब तक देखने को मिलेगा, क्योंकि अब जब क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल मैच शुरू होंगे तो उसमें ये चीज़ देखने को मिलेगी कि क्योंकि उनके ऊपर टैग बड़ा बुरा लगा हुआ अक्षय जोकर हम लोग कहते हैं उनको कि अमूमन वो बड़े मैच हार जाते हैं, तो लेकिन जिस तरह की
जी बिल्कुल, मैं अमन जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जैसे बाकी टीम है, जैसे पाकिस्तान को आप देखेंगे इतना बढ़िया प्रदर्शन नहीं कर पा रही है, और वहीं पर दक्षिण अफ्रीका से सबक लेने की जरूरत है, बाकी टीमों को भी, इवन इंडिया को भी उससे सीखना चाहिए कि किस तरह से कंटिन्यू करना चाहिए, किस तरह से कंटिन्यू करना चाहिए जीत की भूख, और उसको उन्होंने फिर से रिफ्रेश होके, जैसे अमन जी ने बहुत अच्छी बात कही अभी इंडिया से हारने के बाद। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से साउथ अफ्रीका बड़े मैचों में प्रेशर नहीं झेल पाती है, तो इसका नुकसान साउथ अफ्रीका को आगे झेलने मिलेगा? नहीं दीक्षा, आप, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। जैसे वेस्टइंडीज के उनका मुकाबला था, वो एक बहुत बड़ा मैच था, वेस्टइंडीज की टीम को भी आप कम नहीं आंकेंगे, लेकिन उन्होंने जिस ढंग से कमबैक किया इंडिया से हारने के बाद, तो वो एक बहुत अच्छी बात है। और दक्षिण अफ्रीका आगे आने वाले मैचों में अपनी प्रतिद्वंदी टीमों को डरा के रखेगी, क्योंकि उन्होंने ये इससे इतने बड़े बड़े स्कोरों से ये साबित कर दिया है, और उनके सारे बल्लेबाज जो है वो फॉर्म में नजर आ रहे हैं, बड़ा अच्छा फॉर्म है। और देखिए डिविलियर्स को लेकर क्या कहेंगे आप? डिविलियर्स की आज की इतना ज्यादा कोई खास चल नहीं पाए, फिर भी नौ बॉलों में 24 रन उन्होंने बनाए, बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से उनका बल्ला पिछले मैच में चला था, वो बड़ी इनिंग्स नहीं खेल पाए, फॉर्म उनकी बरकरार है, 9 बॉलों में 24 रन मारना भी बहुत बड़ी बात होती है। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से आमला बैटिंग कर रहे हैं अभी, वो बहुत ही जबरदस्त है, 100 बॉलों में 159 रन बना देना, अमन जी विराट कोहली भी पीछे रह गए हैं अब आमला के। देखिए विराट कोहली की बात आप कर रहे हैं, बिल्कुल, अब भारत का मैच आने ही वाला है कुछ दिनों बाद, तो मैं सहमत हूँ आपसे कि विराट कोहली को कहीं ना कहीं ऊपर आना पड़ेगा, प्रदर्शन करना पड़ेगा, क्योंकि टीम को जरूरत भी उनकी, और विराट जैसे खिलाड़ी जब प्रदर्शन करेंगे तो टीम का मनोबल अपने आप ऊंचा चला जाएगा, ये बड़ी अच्छी बात कही बिल्कुल। जब भी भारत का मैच होगा उसे लेकर जरूर बात करेंगे, क्योंकि वो एक बड़ा मुकाबला होगा भारतीय होने के लिए। बिल्कुल, तो चलिए बात करती हूँ मैं कल के मैच को लेकर, जो कि पाकिस्तान और यूएई के बीच खेला जाएगा। पाकिस्तान की फॉर्म की बात करें एडविन अमन जी, तो काफी बेहतर देखने को नहीं मिल रही है, एक जीत दर्ज की है अब तक विश्व कप में। देखिए फॉर्म अगर आपका एक दिन अच्छा पड़ जाए और आपकी चीज़ें सब बेहतर ढंग से चल जाएँ, तो फॉर्म आने में कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये नहीं हो कि हम 20 मैच तक इंतजार करेंगे या हम टाइम का इंतजार करते हैं वर्ल्ड कप के बाद हमारा फॉर्म वापस आए, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हाँ स्ट्रगल कर रहे हैं वो लोग, पाकिस्तानी क्रिकेट की बात करें तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन देखिए जीत तो जीत होती है, मैंने कहता रहा उस बात को, जिम्बाब्वे के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने जीत दर्ज की, अब उनको कॉन्फिडेंट मिला है। और यूएई कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है, आपने देखा कि जो इंडिया के खिलाफ जिस तरह से वो 102 रन पर धराशायी हुए, उसमें कहीं ना कहीं नजर आ गया कि उनकी जो टीम का मनोबल है कोई बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं है। जिम्बाब्वे से भी कहीं ना कहीं पाकिस्तानी टीम संघर्ष करती नजर है। हाँ बिल्कुल संघर्ष, देखिए सिर्फ आप इसमें नाकामी पाकिस्तानी टीम को नहीं जोड़ेंगे, बल्कि कामयाबी इसमें जिम्बाब्वे को जोड़ेंगे, वो टीम भी ऐसी है उसने फाइट दी और अंत तक जगह लड़ा, और यहाँ पर जीत पाकिस्तान को मिली, तो अच्छी चीज उनकी नजर से कि दो मैच लगातार वो हारे, तीसरे में आपको जीत मिली, अब जो यूएई से मैच है उसमें बिल्कुल सब कुछ ट्राई करना चाहेंगे। देखिए जो छोटा मैच होता है उसमें आप बहुत कुछ ट्राई करना चाहते हैं, बॉलिंग ट्राई करना चाहते हैं, बैटिंग में चीजें बदलाव लाना चाहते हैं, फील्डिंग को आप देखना चाहते हैं, तो इसमें अपने आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, इसमें बिल्कुल कर सकते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि वो टीम एक ऐसी टीम है जो इस स्थिति में है कि अपने साथ एक्सपेरिमेंट करना उसके लिए मस्ट है, अगर वो नहीं करेंगे तो दिक्कत उनके लिए आने वाले टाइम में बढ़ सकती है। बिल्कुल अक्षय जी मैं आपके पास आना चाहूंगी कल के मैच को लेकर, पाकिस्तान और यूएई क्या लग रहा है आपको? यूएई एक इतनी बड़ी टीम नहीं है, और पाकिस्तान जिस तरह से एडविन अमन जी कह रहे हैं कल खुद के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकती है, आपको क्या लगता है कल का? बिल्कुल बिल्कुल दीक्षा, अमन जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, और मुझे पाकिस्तान की टीम पर थोड़ा सा तरस भी आता है, जिस तरह से वो ड्रेसिंग रूम में जो राजनीति होती है उसमें जूझ रहे हैं, और जिस तरह से वो अपने ही यहाँ के दर्शकों से बहुत ज़्यादा हतोत्साहित हो रहे हैं, इस समय वहाँ की टीम को हौसला देने की ज़रूरत है। उनके पास मैच विनर खिलाड़ी हैं, बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन वो फिर भी प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं दीक्षा मुझे लगता है कि पाकिस्तान में जो कॉन्फिडेंस जो खो लिया है उसको वापस पाने के लिए एक अच्छा मैच है। जिस तरह से हम कहते हैं कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कभी टीमों को जीत मिलती है तो कभी हार मिलती है, ऐसे में इस तरह का प्रदर्शन करना, खिलाड़ियों का मनोबल गिराना कहीं ना कहीं सही भी नहीं है। बिल्कुल दीक्षा, और वर्ल्ड कप में आपने टीम भेजी है तो उसके साथ उसका मनोबल बरकरार रहना चाहिए, एक आध हार से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मुकाबले में अगर आपको बने रहना है तो आपको अच्छा प्रदर्शन करना होगा, और खिलाड़ियों के दिमाग में जो प्रेशर बना हुआ है कि उनको जीतना ही जीतना है, उस चीज से निकलना होगा, अच्छा खेल का प्रदर्शन कीजिए, अच्छी फाइट कीजिए, वही हार और जीत में कन्वर्ट होती है, इस चीज को ध्यान में रखना होगा। बड़ी बात यह है कि विश्व कप में जीत और हार ये दोनों खेल हैं, या हर खेल में जीत और हार एक पहलू होता है, लेकिन उन्हें स्वीकार करना चाहिए, ना कि उन्हें देखकर इस तरह का रवैया अपनाना चाहिए। देखिए पाकिस्तान टीम की बात करेंगे, बिल्कुल मैं
मानता हूँ इस बात को कि पाकिस्तान टीम के पास अच्छे प्लेयर हैं। अक्षय कह रहे हैं कि बिल्कुल उनके पास बड़ी अच्छी टीम है, और सही बात है कि आप अगर अनुभव और नए जो प्लेयर हैं उनका अगर मिश्रण देखेंगे तो पाकिस्तान इसमें बहुत बैलेंस टीम है। लेकिन देखिए जिस तरह लगातार यूनिस खान फ्लॉप हो रहे हैं, मिसबा फ्लॉप हो रहे हैं, शाहिद अफरीदी फ्लॉप हो रहे हैं, जो ये बैट्समैन ऐसे हैं कि अगर एक मैच में चल गए तो किसी भी गेंदबाज के खिलाफ ये लोग अच्छे रन बना सकते हैं। लेकिन देखिए मिसबा ने पिछले मैच में बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश की। हाँ, एक मैच को लेकर हम बात कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल मैं बात करूँ कि उनके परफॉर्मेंस में कंटिन्यूटी नहीं है कि आप लगातार उन पर बात कर सको, लगातार उनके खेल को आप कह सको कि नहीं ये मैच विनिंग प्लेयर है। तो ये बहुत सारी कमजोरी पाकिस्तान टीम की उभर के आई है, और जो नए प्लेयर हैं ये तालमेल बैठाने वाली बात होती है। देखिए भारत की अगर आप बात करेंगे, भारत के तो हम लोग पहले ही बात करते रहे कि भारत का 11 अक्षय अनएक्सपीरियंस प्लेयर है, लेकिन देखिए जिससे तालमेल नजर आ रहा है अभी तक दो मैचों में, देखा तालमेल दोनों में बड़ा खूबसूरत है और उसका असर देखिए भारत पर काफी चर्चा भी हुई थी, जबकि यंगस्टर ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं दीक्षा यहाँ पर। अब जबकि हमारे पुराने खिलाड़ियों को छोड़ दिया जाए उनका प्रदर्शन इतना ज्यादा काबिल तारीफ नहीं रहा है। देखिए अक्षय एक बात हम लोग बात करना चाहेंगे इसमें कि शिखर धवन के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे, लेकिन शिखर धवन ने खुद को साबित किया, ऊपर लेके आए, रन किए और देखिए आज उनकी हर जगह सराहना हो रही है। देखिए हमने बैठ कर काफी चर्चा की थी कि कहीं ना कहीं भारतीय टीम में अनुभव की कमी नजर आ रही है। देखिए हम अगर बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं खामी तो है आपके अंदर, यदि आपने उस खामी को पाट लिया तो हम क्यों बात करेंगे, आपकी आलोचना क्यों करेंगे। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जिस तरह की टीम पाकिस्तान की अगर वो तालमेल के साथ खेले और विपक्षी टीम के ऊपर बदल सकती है, एकदम बदल सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं कल के दूसरे बड़े मैच को लेकर जो कि ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच खेला जाएगा। एब्रनामन जी, ऑस्ट्रेलिया एक बड़ी टीम है, क्या लग रहा है कल इस बड़ी टीम का बड़ा जादू चलेगा? बिल्कुल चलना चाहिए, क्योंकि अक्षय जैसा हम लोग बात करते रहे कि अफगानिस्तान उतना बढ़िया फाइट नहीं कर पाई, लेकिन हाँ नई टीमों ने जिस तरह से प्रदर्शन किया उसके लेकर हम बात कर सकते हैं कि हाँ कुछ फाइट दे सकते हैं। लेकिन ये मैच कोई बहुत बड़ा मैच नहीं होने वाला है इसमें भी, और ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से बॉलिंग है, जिस तरह की बैटिंग है, वो कहीं ना कहीं जरूर इस टीम को मतलब होता है मैच इसलिए नहीं होगा क्योंकि अफगानिस्तान कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया भूखा शेर शिकार उसमें निकला हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम उतनी बड़ी नहीं है और यहाँ पर वो भूख है, वो कुछ भी हासिल करना चाहेगी, और अफगान जैसी टीम सामने हो तो मेरे ख्याल से कबड़ा करेगी। अफगान भी कुछ ना कुछ अपने आप को प्रूव करना चाहेगा, इतनी बड़ी टीम के सामने वो खेल रहा है, वर्ल्ड की नंबर 1 टीम है इस समय रैंकिंग के मामले में, तो जाहिर सी बात है कि मुकाबला जबरदस्त होगा। पाकिस्तान, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, तो रिकॉर्ड बनाने की जो खिलाड़ियों के पास चांस होता है वो भी कहीं ना कहीं ज्यादा होता है। बिल्कुल दीक्षा, और ये फॉर्म में आने का मौका भी होता है, जो खिलाड़ी फॉर्म में नहीं आ रहे हैं उनके फॉर्म में आने के लिए एक अभ्यास की तरह अगर इसको देखा जाए तो बहुत अच्छा मौका होगा। यहाँ पे आप सब कुछ ट्राई कर सकते हैं, और यहाँ पर एक चीज होती है कि यहाँ पे आपको खोने का कुछ भी गम नहीं है, आपके सामने एक अननोन बैट्समैन जिसको आप जानते नहीं, आप उसके साथ में किसी तरह बोल के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप उसको बाउंसर फेंक सकते हैं, आप उसको योगा फेंक सकते हैं, तो मतलब आपको एक पता लगती है अपनी काबिलियत कि मैं अगर इस तरह का एक्सपेरिमेंट करूं तो आगे वाले मैचों में आने वाले मैचों में काम आ सकते हैं। तो यहाँ पे अपने आपको खुद को साबित करने वाली बात है, तो बहुत बड़ा मुकाबला नहीं है दोनों ही अगर देखा जाए तो, जहाँ तरफ पाकिस्तान है तो और यूएई है, तो दूसरी तरफ जिस तरह से अफगान और ऑस्ट्रेलिया है, तो मैच तो एक तरफा होने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी टीमों को अपने आपको साबित कर सकती है कि हाँ वो भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अच्छा खेल सकते हैं यदि उनको अच्छे मौके मिले। मतलब मेरे सहयोगियों को लगता है कि कल कहीं ना कहीं छोटी टीमों के पास भी मौका है खुद को साबित करने का, और बड़ी टीमों के पास मौका है नए नए रिकॉर्ड्स बनाने का। आज हमने चर्चा की आज के और कल के मुकाबलों को लेकर, कल फिर आपसे मुलाकात होगी मुकाबलों पर चर्चा को लेकर, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छोयांग हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।